नमस्कार दोस्तों, गुजरात के कच्छ में मैं एक फार्म पे पहुंचा हूं और यहां पे इन भैंसों की क्या कीमत रहती है आपको मोटा मोटा अंदाजा आ जाएगा। एक एक भैंस की आपको फोटो डिजाइन और उसका पूरा सिस्टम दिखाएंगे भैंस का, और फिर उसकी कीमत के बारे में भी चर्चा करेंगे भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब। जी सर, एक बार आपका परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है और जगह कौन सी है वो बताइए। दिल्लू बजाड़िया। अच्छा जी, ये जगह कौन सी है? जगह है गोरसमा। अच्छा, मुंद्रा तालुका में गोरसमा गाँव है। और अच्छा जी, आप एक बार थोड़ा हमें अंदाजा आ जाएगा आपकी भैंसों की, थोड़ी कीमत बता सकते हैं हमें? इसकी हम देते हैं 85,000। अच्छा, इसकी 85,000। 85,000। अच्छा देखो भाई, पहले भैंस दिखा देता हूँ आपको। ये इसकी सींग है, भूरी रंग की है भैंस, और इसका आपको पूरा सिस्टम दिखा देता हूँ। कितने बार की ब्याई हुई है जी ये? पहले ब्यांत की ब्याई हुई है। कितना दूध देती है? 5 लीटर। अभी दूध निकाल लिया दोस्तों, ये इसके पुट्ठे देख लो आप, और 5 लीटर समय का देरी बता रहे हैं। एक टक पे एक समय का है ना? एक समय का। ये आप देख सकते हो भैंस को। बुरी ठीक है जी, ये एक भैंस हो गई। और दूसरी बताओ जी, अब कौन सी बताओगे? दूसरी ये वाली, इसको ये वाली। ये देखो भाई, अब दूसरी भैंस है। इस भैंस का डिजाइन और इसकी कीमत फोटो आपको दिखा देते हैं। खड़ी होगी क्या? 2 लाख। नहीं नहीं, दो नहीं, मजाक कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देख लो भाई, भैंस देखो पहले, फिर इसकी कीमत पूछते हैं। इसका मुंह देख लो, ये कितने ब्यांत की ब्याई हुई है जी? पहले ब्यांत की है। अच्छा जी, ये देख लो भाई, पहले ब्यांत की। दूध निकाल लिया दोस्तों, तो थन वगैरह को देख के आप ऐसे मत सोचना। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 9, 9:30, 10 बजे का आसपास का टाइम है। अभी दूध निकाला है इन्होंने, ये देख लो भाई, ये भैंस देख लो आप, बिल्कुल डेली नाम है। क्या नाम है इसका? डेली नाम है इसका। और ये वाली भैंस है। अच्छा, अभी इसकी कीमत और बताओ साहब। इसकी 1,00,000 रुपया। इसकी 1,00,000 रुपए के आसपास कीमत बता रहे हैं। कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, आप देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये जबरदस्त भैंस आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गई दो भैंस अपनी, और बताओ जी इसके बाद कौन सी दिखाओगे? ये रही भाई एक और भैंस। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, जो नॉर्मल यहाँ पे रेट रहता है वो दिखा रहे हैं। अच्छा जी, ये भैंस है, इसका भी नाम रखा हुआ है जी कुछ? इसका नाम वद्दाई। वद्दाई, डर रही है, मार तो नहीं देगी ना? नहीं मारेगी। देखो भाई, जंगली है ना भाई, मैं अजीब तरह का दिख रहा हूँ इन्हें आज। अच्छा, इसकी क्या कीमत बता रहे हो जी? इसकी 85,000। इसकी भी 85,000 के आसपास बता रहे हैं। कितने ब्यात की है जी? ये 3 बीच। ये तीसरे ब्यात की ब्याई हुई है। दूध कितना देती है जी? दूध दे रही 8 लीटर। 8 लीटर एक टाइम का, ये 8 लीटर एक समय का दूध दे रही है। ये आप देख सकते हो, सुंदर भैंस। एक बार थोड़ा रोकोगे इसको दिखाने के लिए? देखो भाई, घबरा रही है थोड़ी, बाकी देख सकते हो आप। ठीक है जी, ये होगी। इसके बाद जी इधर, इसके बाद ये वाली भैंस है भाई। इसका दूध निकाल लिया? निकाल दिया है। इसका भी दूध निकाल लिया, लेकिन अभी भी देखो भाई, इसकी ओड़ी जबरदस्त है, और पीछे से इसके पुट्ठे देख सकते हो आप, और इसकी मिल्क विंड दिखा दूं आपको मैं, मिल्क वाली पाइप भी अच्छी है। अच्छा जी, ये कितने ब्यांत की ब्याई हुई है जी? दो ब्यांत हो गए इसको ब्याई हुई। अच्छा जी, ये भाई साहब दूध लेके चल पड़े हैं। चलो मुंद्रा जिंदाबाद। मुंद्रा जिंदाबाद बोल रहे हैं। अच्छा जी, इसका मतलब दो ब्यांत की होगी जी ब्याई है? दो। अच्छा जी, कितना दूध दे रही है जी ये? 9 लीटर। 9 लीटर एक टाइम का, ये 18 लीटर दूध दे रही है भाई ये भैंस, और बड़ी सुंदर है। कीमत क्या रहेगी जी इसकी? लगभग 1,25,000। 1,25,000 के आसपास कीमत बता रहे हैं। कीमत नेगोशिएबल हो सकती है भाई, आप इनसे बात कर सकते हैं, अपना कीमत का कोई रोल नहीं है। जो बता रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई वीडियो में, ठीक है? बाकी भैंसे मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैंस देखने। ये देख लो भाई, ठीक है जी। और
इसके बाद कौन सी दिखाओगे जी? ये वाली देख लो भाई। अच्छा, इसका भी नाम रखा है जी कुछ? इसका नाम रखा है, क्या नाम? मानकी। मानकी नाम है भाई इस भैंस का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नाम मैंने पहले ही बता दिए हैं, मानकी नाम की भैंस है। ओ, घबरा गई है, देख लो भाई। ये कितना दूध देती है जी? 6 लीटर देती है, पहले भी तरबिया है। ये पहले ब्याह की है और 6 लीटर दूध दे रही है भाई, वाह। 3 साल की है, 3 साल की है टोटल उम्र इसकी। इसकी कीमत लगभग जी? इसकी 80,000। इसकी 80,000 कीमत बता रहे हैं भाई, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। और जी, अभी ये खोल दिए इन्होंने तो ये चरने के लिए। नाम मोर है। क्या नाम है? मोर। मोर है, मोर नाम है इस भैंस का। ये दाती पूरी कर गई लगता है मेरे को, है? ये 6 भीतर है, 6/72 की है। दूध दे रही है अभी? दूध दे रही है। कितना? ये दूध दी है 7 लीटर। 7 लीटर दूध दे रही है भाई, 6/72 की भैंस है। और ये तो तगड़ी भैंस है जी आपकी। और कितना दूध दे रही है जी? 7 लीटर। 7 लीटर दूध दे रही बता रहे हैं। ये पुट्ठे देख लो भाई आप पीछे से। और इसकी कीमत कितनी रहेगी जी? इसकी 80,000। इसकी 80,000 कीमत बता रहे हैं, ये देख लो। कीमत नहीं है इधर यार, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भाई चारे वारे की प्रॉब्लम रहती है तो इतनी खास कीमत बन नहीं पाती। और ये तो कम चारे में इनको ऐसा रहता है, अभी ये सारा दिन जंगल में घूमेंगी, जंगल में। और अगर ज्यादा चारा मिले तो समझ लो, अच्छे से खाना पीना और चारा एक जगह बांध के रखे तो इनकी अच्छी कीमत हो जाए। नहीं, अच्छी हो जाए। अच्छी, हाँ। ये रही भाई दोस्तों, अब ये चल पड़ी है चारे के लिए, तोड़ देगी। एक अच्छा दिया कांकरेज गाय का उतारी। हाँ, उधर कांकरेज भाई साहब कह रहे हैं हमारी कांकरेज गाय का, और एक अच्छा सा वीडियो बना देना। तो दोस्तों घूमते हैं इधर कच्छ में, अच्छा मजा आता है। सुबह सुबह का टाइम था, दूध निकालने से पहले का प्लानिंग था लेकिन मेरे को मिला नहीं, बाद में मिला ये फार्म। रोड के पास ही है वैसे तो, ज्यादा दूर नहीं है, पर क्या रोड में के पास भी साइड में दिखता नहीं है पेड़ वेड़ों की छायों की वजह से। और इनकी गाय दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ी सुंदर गाय है, और उसका एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए डाल देते हैं। वो दिख रही पीछे आपको, अब ये सारी चराने के लिए ले गए हैं, अलग अलग बाड़े बना रखे हैं। यहाँ का पूरा मॉडल समझ में आ जाएगा आपको देख के, मेरे 2 वीडियो बनाए इस फार्म के मैंने, दोनों वीडियो देख के आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कैसे रखते हैं। ये अलग अलग बाड़े बना रखे हैं देख सकते हो आप, पास में ही छोटे छोटे अलग अलग बाड़े बना रखे हैं।